हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल असम। और देखिए, बहुत लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मार्केट अभी क्रैश होने वाला है या मार्केट अभी इससे भी ऊपर जाएगा, बिटकॉइन हम लोग कहां तक देख सकते हैं। देखिए, क्रिप्टो हमेशा अपना हिस्ट्री को रिपीट करता है, और उसके लिए देखिए हम लोग को क्या देखना है आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को फास्ट टू लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग फास्ट टू लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। देखिए, मार्केट अभी स्टेबल है और बहुत सारा कॉइन अभी डीप में आ चुका है और बाइंग का अभी मौका है। देखिए, कार्डानो बहुत ही डीप में आ चुका है और लगभग सोलानो भी कल लगभग $160 तक था, आज तो थोड़ा रिकवर किया है। उसके बाद रिपल भी बहुत ही अच्छा पोजीशन में है। डॉट देखिए, पोलका डॉट बहुत ही अच्छा पोजीशन में है। ऑल टाइम हाई इसका $55 था, अभी $26, $25 में हम लोग को मिल रहा है। कल रात को ये $24 तक भी गया था। ठीक है, देखिए, और डॉज कॉइन देखिए। और दूसरा बात देखिए, मार्केट अभी मेरे हिसाब से 90% में श्योर हूँ कि मार्केट अभी क्रैश नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी एलोन भी पॉजिटिव है। अभी अगर हम लोग यहाँ में देखेंगे, देखिए टेस्ला का कोई कोई सामान अभी हम लोग डॉज कॉइन से भी खरीद सकते हैं, और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा बात देखिए, एलोन का फॉलोअर आप लोग को पता है, एलोन के एक ट्वीट से मार्केट हिल जाता है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अभी एलोन भी पॉजिटिव है। और एलोन अगर पॉजिटिव रहेगा तो चाइना भी पॉजिटिव रहेगा, यूएसए भी पॉजिटिव रहेगा और इंडिया भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसके हिसाब से मार्केट अभी क्रैश नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात देखिए, क्रिप्टो हमेशा अपना हिस्ट्री को रिपीट करता है, और उसके लिए देखिए हम लोग डायरेक्टली चलेंगे इस ईयर के लास्ट नहीं, जो लास्ट ईयर के लास्ट में हम लोग चलेंगे और देखेंगे वहाँ में क्या हुआ था। और उसके लिए देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ में आना है, उसके बाद देखिए हिस्टोरिकल स्नैपशॉट में आना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे 2020 यानी कि 2020 में दिसंबर में क्या हो रहा था, हम लोग वहाँ में जाएंगे। देखिए दिसंबर स्टार्ट हो गया है, यहाँ में देखिए ये 2020 का है। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये 19 है, उसके बाद ये देखिए 2020 है। ओके, इसका हम लोग जाएंगे दिसंबर में। और अभी का ऑप्शन देखिए, अभी जो पोजिशन है 13 में क्लिक करता हूँ, 13 का अगर हिस्टोरिकल स्नैपशॉट हम लोग देखेंगे, देखिए $19,000 था दिसंबर 13 को। ये देखिए दिसंबर 13, 2020 यानी कि 2020 में इसका प्राइस ये था। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद देखिए अभी हम लोग चलते हैं 13 के बाद देखिए 20। ठीक है, 20 में क्या हुआ, देखिए $23,000 बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा अप चला गया है। ठीक है, उसके बाद इसको भी मैं बैक करता हूँ। उसके बाद 27, ठीक है 27 में हम लोग आते हैं, देखिए $26,000, मतलब धीरे धीरे बिटकॉइन अप जा रहे हैं। ओके, मतलब देखिए अभी पैनिक का कोई बात नहीं है, और ये एक बाइंग का मौका था। अभी जो मार्केट रिसेंटली डाउन हुआ था, ये देखिए ये जितना भी बड़ा बड़ा व्हेल है वो लोग इसको डाउन करते हैं, और वो लोग इसमें अभी फिर से जंप किया है। और जो मतलब क्लेवर मेंबर है वो लोग ने अभी जंप किया, और जो हाई में बाय कर लिया है, जो आपका नवंबर का लास्ट में जो एग्जिट नहीं किया वो लोग तो फंस चुका है बहुत लोग, वो लोग क्या करेगा अभी डीप में देख के वो लोग सेल करेगा। जब तक बेचेगा नहीं तब तक लॉस नहीं होगा, क्रिप्टो का ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग 2021 में आते हैं, जनवरी का हम लोग माहौल देखते हैं। 5 जनवरी में देखिए 32,000 पहुंच गया, देखिए $23,000 से $32,000 पहुंच गया है बिटकॉइन। उसके बाद हम लोग इसको फिर से बैक करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 जनवरी। ओके, 10 जनवरी में देखिए 38,000 पहुंच गया, मतलब जनवरी से मार्केट फिर से बुल रन स्टार्ट हो गया है। ओके, उसके बाद हम लोग इसको बैक करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं 24 जनवरी में चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए $32,000। ओके, इसको हम लोग थोड़ा बैक करते हैं, थोड़ा करेक्शन आएगा क्योंकि मार्केट ओवर हाई जाएगा तो डाउन में थोड़ा आएगा। फेब्रुअरी में हम लोग देखते हैं, फेब्रुअरी में देखिए 38,000 फिर से पहुंच गया है। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैक करते हैं, फेब्रुअरी के बाद हम लोग चलते हैं मार्च में। ठीक है, मार्च में देखिए $51,000 पहुँच चुका है, मतलब देखिए मार्च। और उसके बाद इसको हम लोग को फॉलो करना है, हमेशा हम लोग को हिस्ट्री को देखना है, हिस्ट्री में क्या हो रहा है। 28 मार्च में हम लोग चलते हैं, देखिए $55,000, देखिए $23,000 से $55,000, यानी कि मार्केट बहुत ही बुल रन में चल रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैक करते हैं। मार्च के बाद हम लोग आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में देखिए क्या हुआ है, देखिए $58,000 स्टेबल हो गया है। और यहाँ में देखिए कारण भी है, टेस्ला टॉप बिटकॉइन एक्सेप्ट करने का ऐसा न्यूज़ आया था, उसके लिए भी मार्केट बहुत अप चला गया था। उसके बाद देखिए मई में हम लोग चलते हैं, मई में देखिए 56 स्टेबल है। ओके, उसके बाद हम लोग जून में चलते हैं, जून में देखिए 35। आप लोग को क्या आइडिया अभी आप लोग को मिला,
देखिए जून में हमेशा जून जुलाई में सबसे मार्केट डाउन रहता है, जून और जुलाई में, और ये बाइंग का टाइम होता है। हम लोग को मई में ही निकल जाना है या अप्रैल में ही निकल जाना है मार्केट से। अभी डिप में बाय करना है, मई तक हम लोग को हम लोग रख सकते हैं। मई 23 को थोड़ा देख लेते हैं, ये देखिए $34,000, मतलब हम लोग को मई के लिए वेट नहीं करना है, अप्रैल में ही हम लोग को एग्जिट कर देना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक हम लोग एग्जिट कर देना होगा अगर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे फिर से। और यही रिपीट होता है, आप अगर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ में देखते हैं तो 2021 का जनवरी फरवरी जून में देखते हैं, यहाँ में पहले हम लोग देखेंगे मार्च तक देखेंगे कितना प्राइस आप गया है। $5,900 था बिटकॉइन का प्राइस, ठीक है, ये 2020 में। ओके, उसके बाद 15 में हम लोग देखते हैं, यहाँ में देखिए $5,392 इतना ही था। और दिसंबर में हम लोग थोड़ा देखने के लिए कोशिश करेंगे 2019 का, तो 15 दिसंबर का हम लोग देखते हैं, यहाँ में देखिए 7,000 था। यहाँ में कुछ ज़्यादा पंप नहीं हुआ था क्योंकि तब 2018 और 19 देखिए वो फ्लैट था मार्केट, थोड़ा अप डाउन होता था, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता था, ठीक है। उसके लिए देखिए हम लोग को इसको फॉलो करना है, हम लोग को अप्रैल में ही निकल जाना है अगर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है। फिर से डीप में आएगा जून जुलाई में, हम लोग को बाय करना है स्टेप बाय स्टेप, तभी हम लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। क्रिप्टो मार्केट में देखिए हम लोग अगर उसको होल्ड करेंगे, अप डाउन होते रहेगा, उस उची बीच हम लोग कमा सकते हैं, लेकिन जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो कमा नहीं सकेगा। और हमेशा क्रिप्टो अपना हिस्ट्री को रिपीट करता है। उसके लिए देखिए अगर आप लोग बहुत ही सेफ रहना चाहते हैं तो आप लोग को मार्च में एग्जिट कर देना है, नहीं तो अप्रैल तक आप लोग वेट कर सकता है, जो रिस्क थोड़ा बहुत ले सकता है। लेकिन देखिए मई जून जुलाई ये 3 मंथ और अगस्त तक मार्केट बहुत ही डाउन रहते हैं क्रिप्टो का, और ये हमेशा होते रहते हैं। और उसके लिए देखिए हम लोग को थोड़ा मतलब देखना है क्या है क्या नहीं है। और आप लोग को मैंने लाइव दिखा दिया, अभी मार्केट ज़्यादा क्रेश नहीं होगा जितना तक मेरा आइडिया है, और मार्केट अप ही जाएगा। और ऑल टाइम हाई देखिए $86,000 तक बिटकॉइन हिट कर सकता है जनवरी टू फरवरी के अंडर में। और उसके लिए देखिए अभी जो भी डीप में हम लोग को मिल रहा है हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।